अब जिसके पास अनंत जीवन है वो तो अनजाति नहीं है, बाकी सब अनजाति। अब ये जरूरी नहीं है, बहुत से हमारे मसीह घराने के लोग हैं, ईसाई लोग हैं, जिनके पास अनंत जीवन नहीं है। और जब उनके पास अनंत जीवन नहीं है तो वो भी अनजातियों में गिने जाते हैं। वो क्यों नहीं अपने आप को गिनते? प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में और प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम 4थे खंड में हैं, परमेश्वर का न्याय और 7 तुरहियों का परिचय। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य 11:1-3 के 15वें भाग के विषय में सीखा था। आज हम प्रकाशित वाक्य 11:1-3 के 16वें भाग के विषय में सीखेंगे। हम इन पदों को पढ़ लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 11:1-3 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर, वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अनजातियों को दिया गया है और वह पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। हम जब इसकी व्याख्या देखते हैं तो व्याख्या में परमेश्वर का मंदिर, वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नापना, मंदिर के बाहर का आंगन को छोड़ दे, उसे मत नाप क्योंकि वह अनजातियों को दिया गया है कि उसे 42 महीने तक रौंदे। तीसरा है परमेश्वर के 2 गवाह जिनको यह अधिकार दिया गया है कि 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें, यानी 1260 दिन तक। मंदिर के बाहर का आंगन को छोड़ दे, उसे मत नाप क्योंकि वह अनजातियों को दिया गया है कि उसे 42 महीने तक रौंदे। पिछले संदेश में हमने ये सीखा था कि अनजाति कौन है और अनजाति कहां से आए हैं, उनकी उत्पत्ति कहां से हुई है और किस तरीके से उनकी उत्पत्ति हुई है। मसीह समाज में धारणा है कि मसीह लोगों और इसराइलियों को छोड़ बाकी सब अनजाति हैं। ऐसी धारणा रखने वाले जो हैं वो गलत हैं, क्योंकि पिछले संदेश में हमने ये सीखा था कि नूह के समय में सब मनुष्य, जितनी भी जाति थी, जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर से नाश कर दिया था। अगर वो अनजाति नहीं थे, परमेश्वर के लोग थे, तो उन्हें क्यों नाश कर दिया? वो अनजातियों में से नहीं थे। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि सिर्फ 8 प्राणी बच गए थे, नूह और उसका परिवार। फिर ये अनजाति कहां से आए थे? इसको हमने पढ़ा था उत्पत्ति 9:18-28। पिछले संदेश में हमने देखा था कि हाम की एक गलती के कारण उसके बेटे कनान को शाप दिया गया था। पिछले संदेश में हमने ये देखा था, क्यों हाम ने क्या करा था? हमने अपने पिता को नंगा देखा था और इसलिए उसको श्राप दिया गया था। हाम को नहीं बल्कि उसके बेटे को। देखिए, पिता को ना देकर अगर बेटे को चोट पहुंचाई जाए तो बहुत ज्यादा चोट पहुंचती है, ये ध्यान करने की बात है। और ये सब परमेश्वर के लोग थे। फिर ये अनजाति कहां से आए, इन चीजों को हमने बाखूबी जो है वो पढ़ा था। जब आप उत्पत्ति 10 अध्याय को और पहला इतिहास 1:5-23 पद तक पढ़ेंगे तो वहां पर आपको नूह के जो 3 पुत्र हुए हैं, शेम, हाम और येपेत, इन तीनों पुत्रों से, क्योंकि जलप्रलय के समय में जो है सिर्फ यही नूह और उसका परिवार, यानी नूह, उसकी पत्नी और उसके 3 बेटे और उनकी पत्नियां जो थी, वो उस जलप्रलय में बचे थे। और इन तीनों पुत्रों के से जो है आगे की जो वंशावली है, जो जातियां हैं, जो लोग हैं, वो उनकी उत्पत्ति हुई है। जब आप परमेश्वर के वचन को उत्पत्ति में जब आप पढ़ेंगे, आप उत्पत्ति 10:1-32 तक और पहला इतिहास 1:5-23 पद तक जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर जो है नूह के पुत्रों की पूरी वंशावली दी हुई है। इनसे जो है नूह के वंश, यानी इस संसार के अंदर जितनी भी जाति या जितने भी देश स्थापित हुए हैं, वो सब इन 3 पुत्रों से हुए हैं जो नूह के थे। इनके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है उत्पत्ति 9:19 उसका 19 पद जब आप पढ़ेंगे तो यहां लिखा है, यहां पर जो है नूह के पुत्रों के बारे में वर्णन है, आप पढ़ लीजिएगा घर पे। यहां लिखा है नूह के 3 पुत्र यही हैं और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। नूह के 3 पुत्र जो है यही है और इनका जो वंश था सारी पृथ्वी पर फैल गया, यानी शेम,
हम और ये पेस से, ये ध्यान रखिएगा। फिर है, जब हम इनके पुत्रों की वंशावली करते हैं तो यहां पर कुछ नाम दिए हैं, सभी नाम नहीं दिए हैं, बहुत से चीजों के आप कहेंगे उनके नाम नहीं दिए, उस देश का नाम नहीं दिया है। तो यहां पर बाइबल के आधार पर हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। जी हाँ, जब हम शेम की वंशावली पढ़ेंगे, उत्पत्ति 10 अध्याय 21 से 31 तक, जो शेम के मुख्य पुत्रों के नाम हैं वो इस प्रकार से हैं, एलम, अशूर, अपरशद, लूद और आराम, ये जो है शेम से हुए हैं। परंतु शेम के वंश से और भी जो है पुत्र हुए हैं, यानी इनके पुत्रों के भी और पुत्र हुए हैं इसके अंदर, और इनका जो देश स्थापित हुए हैं इनके द्वारा, देखिए जो जातियां बनी हैं, जो देश स्थापित हुए हैं वो कौन से हैं, मैं सभी नहीं, मेन मेन जो चीजें हैं वो पढ़ रहा हूं। इनसे जो है पूर्वीय देशों की स्थापना हुई है। जी हाँ, किससे? शेम की वंशावली से जो है पूर्वीय देशों की स्थापना हुई है। और पूर्वीय देश कौन कौन से रहे हैं? असुर, ईरान, लीडिया, सिर और चालियन जैसे देशों की स्थापना हुई है यहां पर जो दिए हुए हैं। और शेम के वंश से इज़राइल और यहूदियों की जाति बनी है, ये ध्यान करिएगा, शेम के वंश से किसकी? इज़राइल और यहूदी, ये दो जातियां जो हैं इनसे बनी हैं। और परमेश्वर ने याकूब का नाम जो है वो इज़राइल रखा था, जिससे इज़राइल जाति की स्थापना हुई है। अब हम बात करेंगे हाम की वंशावली की। जी हाँ, हाम की वंशावली के बारे में यदि आप पढ़ना चाहेंगे, उत्पत्ति 10 अध्याय 6 से 20 पद तक जो है आप पढ़ लेना। हाम के जो मुख्य पुत्र हुए हैं, कूश, मिस्र, फूत, कनान, ये जो हुए हैं ये चार पुत्र हुए हैं, और इनके अलावा और भी लोगों के नाम जो हैं इसके अंदर काउंट किए गए हैं परमेश्वर के वचन में। हाम की जो है, हाम की वंशावली से जो है दक्षिणीय देशों की स्थापना हुई है, जो इस प्रकार से है, अरबिया, कनान, मिस्र, इथोपिया, लीबिया और सूडान, ये जो है ये इन देशों की जो है स्थापना हुई है। इसके बाद भी आप और भी बहुत सी थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूंगा, जैसे मिस्र जो है हिब्रू और अरामी नाम जो है मिजराइम शब्द का प्रयोग किया गया है, इंग्लिश बाइबल किंग जेम्स वर्जन में अगर आप पाएंगे तो वहां पर वो मिस्र के लिए प्रयोग किया गया। देखिए मिस्र बेटा भी है और देश भी है, कनान बेटा भी है और देश भी है, और इथियोपिया जो है उसको कूश देश कहा जाता था, लीबिया को पूत देश या फूत देश जो है वो कहा जाता था, बेबीलोन का नाम जो है वो इराक है, अजा, यहां पर अजा आया, अजा जो है वर्तमान समय में गाजा पट्टी को कहा गया है, कनान जो है वर्तमान समय में इज़राइल है, पलिस्ती जो है वर्तमान समय में फिलिस्तीन कहा गया है, और यूबीसी या यूबीसी एक जाति हुआ करती थी उसको जो है, यूबीसी एक जाति भी थी और यूबीसी जो है बाद में उसका नाम जो है यरूशलम जो है वो रखा गया। आप जो है न्यायियों की पुस्तक 19:10 आप पढ़ सकते हैं। और देशों की स्थापना जो हुई है नीनवे जैसे, और सदोम और अमोरा, सिदोन जैसे देशों की भी जो है स्थापना हाम के वंश से हुई है, और ये जो है बहुत ध्यान रखने की बात है। और लगभग जो है बाइबल के अनुसार 23 जातियों की जो है स्थापना इसके अंदर की गई है, 23 जातियां जो है, हालांकि और भी बहुत सी बनी होंगी, उनके भी बच्चे हुए होंगे और भी बहुत से, इस तरीके से सारे संसार में जो है इन नूह के इन तीनों पुत्रों से सारी जातियां जो हैं वो बनी हैं, जिसको हम अनजाति कहते हैं, और किस तरीके से कहते हैं ये आगे देखेंगे। परंतु यहां पर एपेत की वंशावली के बारे में बात करेंगे। एपेत की वंशावली के लिए आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 10 अध्याय 2 से 5 तक। एपेत के मुख्य पुत्रों के नाम इस प्रकार से हैं, गोमेर, मागोग, मादे, याबान, तुबाल, मेशक, तिरास, ये 7 पुत्र हुए हैं, और इसके वंश से और भी 7 पुत्रों के नाम जो है बाइबल के अंदर दिए गए हैं। मगर वो सिर्फ ये नहीं है कि 14 ही पुत्र हुए, और भी हुए होंगे जो इतिहास में होंगे या दिए नहीं गए हैं, मगर यहां पर जो है बहुत से पुत्रों के पुत्र उनके वंश से हुए हैं, और इनके पुत्रों के द्वारा जो है उत्तरी देश की स्थापना हुई है। उत्तरी देशों की जो है स्थापना हुई है वो कौन से हैं? आर्मेनिया, यूरोप, रशिया और तुर्की और वेल्स। ये रशिया को रोस कहा गया है बाइबल में, और यहां पर जो है गोमेर को जर्मनी कहा गया है, तोरगम्मा को तुर्की कहा गया है,
तर्शिश को ब्रिटेन कहा गया है और फारस को ईरान कहा गया है। तो नूह के इन तीन पुत्रों के द्वारा जो है शेम, हम और यपेत से जो है पूरे संसार में जो है उसकी स्थापना जो है देशों की और बहुत सी जातियों की जो है स्थापना हुई है। और ये सब कौन लोग थे? ये शेम, हम और यपेत कौन थे? ये परमेश्वर के लोग थे। उन्हीं में से निकलकर जो है जातियां बनी है। अब जातियां बनने का कारण क्या? बहुत सी जातियों को हम लोग क्या करते हैं, अन्य जाति कहते हैं। इज़राइल और यहूदी और ईसाई, इनको छोड़कर जो है बाकी जितनी भी जातियां हैं हम सबको अन्य जाति कहते हैं। जबकि ये चीज गलत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देखिये भजन संहिता 24 और उसका एक पद कि जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा क्या ही है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। अब देखिए सब कुछ, पूरी पृथ्वी पर सब कुछ जो है वो परमेश्वर यहोवा का है, और उसमें निवास करने वाले का मतलब जो उसमें रहने वाले लोग हैं वो भी परमेश्वर के हैं। तो फिर अनजाति कौन हुआ, किसको हम अनजाति कहेंगे, जब सब, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब परमेश्वर के लोग हैं। सबको परमेश्वर ने, सबकी सृष्टि करी है, सबको परमेश्वर ने बनाया, और परमेश्वर कह रहे हैं ये सब लोग मेरे हैं। फिर अनजाति कौन हुए, जरा ध्यान दीजिएगा अब इस बात पर। यूहन्ना 3:16, सबको पता है यूहन्ना 3:16 क्या है, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये ध्यान देने की बात है कि परमेश्वर ने, देखिए संपूर्ण जगत और उसमें निवास करने वाले परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं, और इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उसने संपूर्ण जगत से जितने भी उसमें रहने वाले लोग हैं सबसे प्रेम किया, और सबके पापों के बलिदान के लिए यीशु मसीह को दे दिया, सबके पापों को दूर करने के लिए, सबको उनके पापों से मुक्ति दिलाने के लिए, पापों की गुलामी से उनको छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह को दे दिया, यानी सारे जगत के लोगों को। अब यहां पर जब सारे लोगों को दिया गया है तो क्या है, जो विश्वास करता है यीशु मसीह के उस बलिदान पर, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसके पास है। अब जिसके पास अनंत जीवन है वो तो अनजाति नहीं है, बाकी सब अनजाति है। अब ये जरूरी नहीं है, बहुत से हमारे मसीह घराने के लोग हैं, ईसाई लोग हैं, जिनके पास अनंत जीवन नहीं है, और जब उनके पास अनंत जीवन नहीं है तो वो भी अनजातियों में गिने जाते हैं। वो क्यों नहीं अपने आप को गिनते, दूसरे को अनजाति क्यों कहते हैं? हमें किसी को अनजाति कहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की दृष्टि है, परमेश्वर का देखने का नजरिया है। हमारा देखने का नजरिया क्या है, क्या हम अनजाति हैं या नहीं? अगर हम अनजाति नहीं है तो परमेश्वर की जो बातें परमेश्वर के वचन में लिखी वो हमारे पास होनी चाहिए, यदि नहीं है तो हम अनजातियों में से हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 1 और उसका 29 पद जब आप पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा है, देखो ये है परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा लिया जाता है। जगत का मेमना किसको, मेमना किसको कहा गया, यीशु मसीह को, और यीशु मसीह ने वो जगत के सारे संसार के लोगों के पापों को उठा लिया, जैसा मैंने अभी बताया। अब जब पाप हमारे जीवन में नहीं है तो हम अनजाति नहीं है, और यदि पाप बुराई हमारे जीवन में बनी हुई है और पाप और बुराई हमारे जीवन में दिखाई दे रहा तो हम अनजाति है। पाप और बुराई का मतलब क्या है कि अनजाति, पाप और बुराई होने का मतलब है कि हम शैतान के लोग हैं, और अगर पाप और बुराई से हम दूर हैं, वो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में नहीं दिखाई जा रही है, तो हम परमेश्वर के लोग हैं। यहां परमेश्वर का वचन जो है इस बात को कहता है। मैं आपके लिए एक रेफरेंस पढ़ना चाहूंगा, दूसरा यूहन्ना की पत्री, यहां परमेश्वर का वचन कहता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, दूसरा यूहन्ना की पत्री और उसका एक ही अध्याय है और उसका 9 पद जो है मैं यहां पर पढ़ना चाहूंगा। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता उसके पास परमेश्वर नहीं है। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। सबसे बड़ी बात कि जब हम परमेश्वर की जो शिक्षा, जो नियम, जो आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी है, यदि हम उसमें बने हुए हैं, यदि हम उसके अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं, यदि हम उसके अनुसार चल रहे हैं, तो हमारे पास परमेश्वर भी है और प्रभु यीशु मसीह भी है। यदि हम उन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास ना परमेश्वर है और ना प्रभु यीशु मसीह है। और जब हमारे पास ये दोनों चीजें नहीं है और हम प्रभु की शिक्षा में भी नहीं है, उसके नियमों में भी नहीं है, उसकी आज्ञा में नहीं है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम अनजातियों की श्रेणी में आते हैं। फिर एक और रेफरेंस जो है, मैं बहुत महत्वपूर्ण रेफरेंस है जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 6 और 7 पद, बहुत ध्यान से सुनिएगा।
फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। एक बात ध्यान रखिएगा यहां पर कि यहां पर जो है हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक कुल अर्थात हर एक घराने के लिए परमेश्वर ने, यानी इस पृथ्वी पर जितने भी रहने वाले लोग हैं, सबके लिए एक सनातन सुसमाचार दिया है। और एक बात कही है कि परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो। सिर्फ हमें क्या करना है, परमेश्वर से डरना और उसकी महिमा जो है वो करना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के न्याय का समय जो है वो निकट आ चुका है। अब जो परमेश्वर से डरते हैं, उसकी महिमा करते हैं, वो अनजाति नहीं हो सकते। और जिनके जीवन में परमेश्वर का डर ही नहीं है, कोई खौफ नहीं है परमेश्वर का, और परमेश्वर की महिमा नहीं करते हैं, सिर्फ अपने ही उल्टे सीधे कामों में लगे रहते हैं, तो वो अनजातियों में आते हैं। चाहे आप खानदानी मसीह क्यों ना हो, बाप दादों के जमाने से आपने मसीह को ग्रहण क्यों नहीं करा हो, बाप दादों के जमाने से आप ईसाई क्यों ना हो, परंतु यदि परमेश्वर का डर आप में नहीं है, यदि परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा नहीं हो रही है, तो आप परमेश्वर के लोग नहीं है और आप अनजातियों में आते हैं। तो यहां पर जो है परमेश्वर का वचन जो कह रहा है कि अनजाति किसे कहा गया, आपने देखा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अनजाति किसे कहते हैं। अनजाति का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ ईसाई और यहूदी और इसराइलियों को छोड़कर बाकी सब अनजाति हैं। जितने भी परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं, जितने भी परमेश्वर के नियम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, जितने भी पाप में और बुराई में जीवन जीते हैं, वो सब अनजाति हैं। वो चाहे खानदानी ईसाई क्यों ना हो, चाहे आप 100 साल से मसीह क्यों ना बनो, 1000 वर्षों से आप मसीह क्यों ना बनो, या यीशु मसीह आज से लगभग 2000 वर्ष पहले आया, तब से आप मसीह, आपका घराना, आपका वंश, तब से मसीह क्यों ना, परंतु ये चीजें जब आपकी नहीं दिखाई देती हैं तो आप मसीह के नहीं हो, और जब आप मसीह के नहीं हो तो आप अनजातियों की श्रेणी में आते हो। तो अब आप खुद सोचे कि आप कौन सी जाति में हैं। आप खुद सोचिए कि आप अनजाति हैं या परमेश्वर के लोग हैं। जो परमेश्वर के लोग हैं वह अनजाति नहीं कहलाए जाते। अनजाति का मतलब यह होता है कि जो परमेश्वर से अलग हो गए, परमेश्वर के भय से, परमेश्वर की आज्ञाओं से, परमेश्वर की शिक्षा से, उसे अनजाति कहते हैं। तो हमें अनजाति नहीं, हमें परमेश्वर के लोग बनना है और परमेश्वर, अपना जीवन परमेश्वर को सौंपना है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।